18 तारीख को खेड़ी चोपटा के अंदर हम हजारों ट्रैक्टरों के साथ कल 18 तारीख को कूच करेंगे बॉर्डर के ऊपर, हजारों ट्रैक्टरों के साथ। अभी तक हरियाणा एक्टिव नहीं है। की सरकार के साथ कोई वार्ता हुआ है उससे पहले शांति का माहौल होना चाहिए। आज जितने हमारे भाई भीतर हो और बाहर हो रहे, वार्ता का जो काम हो वार्ता का, उसके बावजूद भी शिव कुमार कक्का ने जो हमें बताया उनमें वहां बात रखी है, वहां के मंत्रियों को बाई नेम, क्योंकि कुछ शब्द उसमें टेबल पर बात करते नहीं, याद नहीं रहो एक आधी बात बाकायदा लिखी उसको उनको मंत्रियों को उन अधिकारियों को दिया है कि भाई अगली बातचीत तक पहले हमारे भाई बाहर होने चाहिए। लेकिन अभी तक जो हमारे द्वारा जो सूचना मिल रही है अभी तक बाहर करने का कोई संदेश हमारे पास नहीं आया, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो शिव कुमार कक्का ने कहा कि मैंने एक सुझाव उनको जरूर दे के गया हो, अभी मध्य प्रदेश जा लिया, उनने ये कहा है कि मान लिया बातचीत भी हो जा और फैसला भी हो जा। उनका ये कहना था कि बातचीत भी हो जाए, हमारी बात भी मान ली जाए। लेकिन भाई मैंने मोर्चे को ये मेरी तरफ से सुझाव दिया है कि आंदोलन जब तक चालू रहना चाहिए जब तक हमारे भाई बाहर नहीं आ जाए, चाहे दो दिन फालतू तक चलाना चाहिए। और मैं भी इस बात से सहमत हूं क्योंकि आंदोलनों के फैसले हो जाए हैं, सरकार लिखित में भी दे दे है। लेकिन ये जो केस वाला मामला ना, भीतर जाने वाला मामला, इसमें हम भुक्त भोगी हैं। कई बार चीजें चली जा, लोग अपने घर चले जा है और भुगतने वाले भुगती जा। इस बात को भी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मेरी आखिरी बात जो रह गई थी जो मैं बताना चाह रहा था, जो संदीप ने जिक्र कराया भाई, कल 18 तारीख है, आज केवल हम ज्ञापन दे की जा रहे हैं, कल 18 तारीख ने, मैं मेरी बात बताऊंगा, कल 18 तारीख को, क्योंकि ये बच्चे किसानों की मांग के लिए भीतर गए हैं। और अक्षय नरवाल का भी मैसेज, दो मैसेज आए अक्षय नरवाल के जेल के अंदर से। एक उसने कहा भाई जो भाई मेरे साथ में जेल में है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे तुम आंदोलन लड़ो, चाहे तुम कोर्ट में अर्जी ला की जमानत लाओ, उसने कहा है पल्ले में भाई बाहर होने चाहिए भाई, उससे पल्ले में बाहर जेल में उतर पानी टेकूंगा जब मैं इकला कटवा लिया। और दूसरा संदेश यह दिया है भाई, जो लड़ाई किसानों की है वो लड़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस लड़ाई को भी जिंदा रखना है। वो संदेश मैं आपको देना चाह रहा था कि कल 18 तारीख को खेड़ी चोपटा के अंदर हम हजारों ट्रैक्टरों के साथ कल 18 तारीख को कूच करेंगे बॉर्डर के ऊपर, हजारों ट्रैक्टरों के साथ। अभी तक हरियाणा एक्टिव नहीं है, लेकिन कल तक हरियाणा खेड़ी चोपटा में इकट्ठा होगी, ये बताएगा वो जो आंदोलन करने वाले साथियों से बातचीत करके 18 तारीख ने तय करेंगे। वो ये कहेंगे खनौरी बॉर्डर तोड़ना है तो खनौरी तोड़ांगे, और जो वो कहेंगे दिल्ली बॉर्डर तोड़ना है तो दिल्ली तोड़ांगे। सरकार को ये दिखा देंगे हरियाणा का किसान कमजोर नहीं है, कल की डेट है, इसलिए आप सब और इनकी मांग भी 18 तारीख वाले कार्यक्रम में भी साथ मर होगी, ये बात मैंने आपको बतानी थी। आपका आश्वासन दे, जब तक ये बालक बार नहीं आने की आप नहीं बोलेंगे।